प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की द्वारा दी गई वर्कशीट राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की वर्कशीट। विषय है हिंदी, कक्षा है 5। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबा करके सभी मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बच्चों, भाग पहला, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और उसके आधार पे ही आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसका विषय है बच्चों पिन कोड। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए पत्र के लिफाफे पर लिखा अंक 110016 है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगला 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। तो देखिए बच्चों, पिन कोड क्या होता है? बच्चों, पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जो कि हमें डाक पहुंचाने में, हमारी जगह को ढूंढने में आसानी होती है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई थी और इसमें बच्चों 6 अंकों का पिन कोड होता है, जैसे हमें यहाँ बताया गया था 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड कहाँ का है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर का, यानी और अगले 2 अंक ये तो हमारे को बताता है कि यह पिन कोड कहाँ का है। अगला 2 अंक 1 और 0 क्या बताता है कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र को दर्शाता है कि दिल्ली में कौन सी जगह का है। अगले 3 अंक बच्चों क्या बताता है, उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड बताते हैं जहां डाक बांटी जाती है। तो देखिए बच्चों, आप सभी के इलाके का अलग अलग पिन कोड होगा, इसका आप पता कीजिए। अब पहला प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत डाक तार विभाग ने किस योजना के नाम से शुरू की थी? पोस्टल न्यूमेरिकल योजना, पोस्टल नंबर योजना, पोस्टल नंबर योजना और पोस्टल इंडिया योजना। तो बच्चों, इसकी शुरुआत पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरू की गई थी। पिन कोड में पहले स्थान पर दिया गया अंक बताता है कि ये किस का है। अब बच्चों देखिए, हमारे 6 होते हैं, 6 अंकों का पिन कोड होता है। इसमें से हमारा पहले स्थान का अंक हमें क्या बताता है कि वो कौन से राज्य का है, ठीक है। पिन कोड की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? चिड़ियाघर, डाकघर, अजायब घर और टिकट घर। तो बच्चों, डाकघर से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? 4, 5, 6, 7। तो 6 अंकों का पिन कोड होता है। पिन शब्द का विस्तार रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडिया नंबर और पोस्टल इंडिया नंबर। तो ये होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला है बच्चों भाग 2, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखिए बच्चों, जो हमारे सहायक होते हैं, जो एक घर बनाने वाला, पेंट करने वाला, गेट बनाने वाला, ये सभी के यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। दीवार पर ईंटें कौन लगा रहा है? पेंटर, राज मिस्त्री, बड़ई या मजदूर? तो देखिए बच्चों, राजमिस्त्री दीवार पर ईंटें लगा रहा है। मजदूर सीढ़ी पर क्यों पकड़े हुए हैं? तो देखिए बच्चों, मजदूर ने सीढ़ी को क्यों पकड़े हुए हैं? ताकि सीढ़ी फिसल ना जाए, ताकि वह इलेक्ट्रीशियन को गिरा सके, ताकि वह ऊपर देख सके, ताकि वह उस कार्य को सीख सके। तो बच्चों, इसलिए पकड़ा है कि ताकि सीढ़ी फिसल ना जाए। बड़ई ने दाएं हाथ में क्या पकड़ रखा है? तो देखिए बच्चों, बड़ई के दाएं हाथ में क्या है? बड़ई के दाएं हाथ में है हथौड़ा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम हथौड़े पे सही का निशान लगाएंगे। बड़ई कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। अगला देखिए बच्चों, विद्युत कारीगर यानी कि इलेक्ट्रीशियन क्या ठीक कर रहा है? बल्ब, खिड़की, दरवाजा या सीढ़ी? तो वो बल्ब सही कर रहा है।
अगला प्रश्न है, पूरा चित्र क्या प्रदर्शित करता कर रहा है? पेंटर का कार्य, विभिन्न कामगारों का कार्य, बढ़ई का कार्य या मजदूर का कार्य? तो बच्चों विभिन्न कामगारों का कार्य यह प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला है बच्चों भाग तीन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ का उपविषय है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में हमें दिया गया है। तो देखिए बच्चों मकर संक्रांति हमें यहाँ पे गद्यांश का शीर्षक दिया गया है, तो इसी को हम आज पढ़ेंगे। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में लगभग 11 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर में सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन बच्चों खरीफ जो फसलें होती हैं हमारी, चावल, अरहर, ये सभी, अरहर के दाल, ये सब कट के हमारे घरों तक पहुंचती है। और हर घर में बच्चों मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें दूध, चावल, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है, और जैसे ही दूध में उफान आता है तो चिल्लाते हैं, दूध चावल के मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। और बच्चों गुजरात में देखो पतंगे इस दिन उड़ाई जाती है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघोतिया भी कहते हैं। तो बच्चों कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघोतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों इस दिन क्या करते हैं, आटे और गुड़ को गूंथ करके पकवान बनाते हैं अलग अलग तरह के। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। तो देखिए बच्चों हमने पढ़ा मकर संक्रांति के त्यौहार के यहाँ पे। ठीक है, अब इससे प्रश्न जुड़े हुए हैं, इनके हम हल करते हैं। गुजरात में किसके बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है? चावल, दलिया, पतंग या किताब? तो यहाँ हमारा पतंग उत्तर सही है। गुजरात शब्द निम्न में से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो बच्चों संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, किसी भी जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तमिलनाडु में कौन से खाद्य पदार्थ को शुद्ध मानते हैं, जिसे मटके के साथ बांधा जाता है? तो बच्चों जीरा, धनिया, लाल मिर्च या हल्दी? बच्चों हल्दी को शुद्ध मानते हैं जिसे मटके के चारों ओर बांधा जाता है। अगला प्रश्न 14 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द नहीं है? क्रिया शब्द यानी कि किसी के काम का होने का पता चले, लाना, मनाना, माला या गिरना। तो माला शब्द इसमें हमारा क्रिया शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है 15, कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? पोंगल, सरहुल, घुघुतिया या खिचड़ी? तो बच्चों घुघुतिया कुमाऊं में हम मकर संक्रांति को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आप सभी लाल बटन दबा करके सभी मेरे YouTube चैनल जारेड ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।